ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए, कह रहे कि ऐसा फार्मूला हमें भी दीजिए कि यूपी में हमारा नंबर आ जाए। ममता बनर्जी फार्मूला देती हैं? ममता बनर्जी से फार्मूला लेने गए थे या पैसा लेने गई थी? अरे फार्मूला की जरूरत नहीं उन्हें, उन्हें है पैसे की जरूरत। पहले लिया कांग्रेस से, अब लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री हैं वो तो ममता बनर्जी दे सकती हैं, मुख्यमंत्री के पास तमाम पैसा होता है। लेकिन हम नहीं किसी से पैसा पैसा मांगते, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। वो चाहे ममता बनर्जी के पास चले जाएं और चाहे कहीं चले जाएं, लेकिन वो किसान हित में कुछ नहीं कर सकते। हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, नहीं कर सकते कुछ भी। क्यों? कि जिस आदमी को जो आदत पड़ जाती है, शराब ही हो, शराब की आदत पीने की पड़ जाए तो वो शराब आदत छोड़ता नहीं, चाहे मर जाए। उनको ओर से ही हम जानते हैं कि वो एक पुलिस में, दिल्ली पुलिस में सिपाही थे, और हम उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तो उनके पिताजी, वो हमको, हम उनको अपना जो कुछ भी मानते थे, वो भगवान देवता कुछ भी मानते थे, उनके साथ हम प्रदेश सदस्य थे। ये एक पुलिस के सिपाही थे दिल्ली पुलिस में, कुछ सोचा होगा इन्होंने, आदत तो पड़ी जाती है, तो फिर आ गए और अपना लेना देना शुरू कर दिया। अब वो बड़े नेता बनते हैं। एक कहीं कल डिबेट में कहीं एक जालौन का है, हम नहीं जानते उसका क्या नाम है, लेकिन वो अपने को प्रदेश अध्यक्ष बताता है टिकट वाले संगठन का, वो कह रहा था हम 70 साल की उम्र है हमारी, और वो कह रहा था एक भान प्रताप आया था चिल्ला बॉर्डर पे, वो भाग गया। अरे मैं उस बेवकूफ से ये पूछना चाहता हूं कि जो तहसील फहसील ब्लॉक फुलॉक पे था कहीं तू जालौन में, तब मैं प्रदेश अध्यक्ष होता था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ। वो कह रहा था हम नहीं जानते, एक आया था फिर राजनाथ के पास गया, फिर वहां ये खाया वो खाया, बड़ा तारीफ करी, फिर भाग गया। अरे मैं भाग कहीं से नहीं गया हूं, ना देश से भाग गया, और तुम सब भागोगे क्योंकि तुम्हारे कारनामे जब खुलेंगे बेईमानो, तुमने जो किसानों को लूटा है, चाहे जालौन हो, चाहे उरई हो, चाहे बुंदेलखंड हो, और चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सिवाय, अब मैं कह रहा हूं खुल्लम खुल्ला, राकेश टिकैत के आदमियों ने जितना लूटा जा सका है उतना लूटा है। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं तो कहता हूं सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच। आपको कहते हैं पार्टी के हक में बोलते हैं, बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं आप तो। कौन? हम किसी के हाथ नहीं बिक चुके हैं, लेकिन वो पगलापन है उनका, पागलपन है। एक बात बताइए, हमारे राजनीतिक लोग हैं, जब सरकार बनी हमारी बहन जी की उत्तर प्रदेश में, तो जो मांग करने जाते थे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहन जी से बात करते थे। जब सरकार बनी माननीय अखिलेश बाबू की, तो उनसे बात करते थे, उनसे मांगते थे। अब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो बहन जी कर देंगी पूरा। और यहां केंद्र में भाजपा की सरकार है, मैं क्या करूं इसमें? जब भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार से बात करनी पड़ेगी। यदि आप किसान नेता हो तो सोनिया गांधी कुछ नहीं दे पाएंगी, अब न राहुल गांधी दे पाएंगे। तो ममता बनर्जी है ना, तो ममता बनर्जी क्या है, क्या है ममता बनर्जी? राकेश टिकैत उनसे बात कर रहे। राकेश तुम नहीं जानते यार, ये पागलपन है ना। ये क्या है ममता बनर्जी, ये तो बता मुझे। राष्ट्रपति है, अंतरराष्ट्रीय कुछ और कोई नेता है, अरे पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है, और उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, उसको गन्ने का मूल्य, मैं कह रहा हूं पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ने का जो मूल्य है उससे हम संतुष्ट नहीं है, और उसके बाद भी गन्ने का बकाया पड़ा है, तो इसके लिए ममता बनर्जी दे देंगी। ममता बनर्जी व्यक्तिगत राकेश टिकैत को खर्चा पानी तो दे सकती हैं, लेकिन किसानों का भला, उत्तर प्रदेश के किसानों का भला नहीं कर सकती। और वो, हम तो कह रहे हैं वो बंगाल में अपना भला कर रही है, करें, जीत गई बहुत बढ़िया बात है, हमें कोई दुख है। और लोग कुछ कहते हैं तुम्हें कोई बुराई लग रही है, दुख हो रहा है तुम्हें? अरे अभी दुख नहीं हो रहा, पागलपन पे हम कहते हैं कि भैया देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है, तुम नहीं जानते तो हम बता रहे हैं, उनके पास जाओ और किसानों की समस्या उत्तर प्रदेश की समाधान करवानी है
तो इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ के पास जाना पड़ेगा। अच्छा ठाकुर साहब एक बात और बताइए, आपको भी याद होगा जब आंदोलन शुरू हुआ कह रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं इससे। बाद में आपने देखा रालोद समर्थन में आ गई, सपा बसपा कांग्रेस सब समर्थन में आ गए। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दो वैक्सीन लगानी है, एक 2022 में योगी को और 2024 में मोदी को। तो जो किसान आंदोलन चल रहा है कितना असर इसका ग्राउंड पे देखने को मिलेगा 2022 में? 150 आदमी तो वहां बैठेंगे गाजीपुर पे, 150, और ऐसे ही वहां होंगे उस पे सिंधु पे और टिकरी पे। इनसे पूरे उत्तर प्रदेश का शासन बदल जाएगा। यार आप भी क्या आदमी हो, मतलब जाकर तुम भी पढ़े लिखे हो गए मुजफ्फरनगर के, इसीलिए तुम्हें भी कुछ थोड़ा असर आ गया क्या है? अरे एक बात बताइए आप कि ये राकेश टिकैत कैसे बदल देंगे हैं? कैसे वो कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं हम सही काम कर रहे हैं सब, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तो पूरे किसानों का मतलब उद्धार करने के लिए करेंगे, लेकिन अब उनसे बैठ के बात करेंगे हम कि ये से इस तरह से किसानों का उद्धार होगा, किसान आयोग का गठन कर दो। और ये तो अब कहीं के नहीं रही, पूरे बुद्धिजीवी समाज में सारे के दिमाग में आ गई है कि ये तो फर्जी फिकेशन है, पूरा फर्जी फिकेशन। न तो इनका आंदोलन ही सही और ना इनकी नेता ही सही। क्यों कि आप बताइए, ये करते तीन बिल वापस हो जाएं और एमएसपी पे खरीद की गारंटी हो जाए। हमारा 20 साल से एमएसपी पे बिकता है और उसके मारे भी कोई कम कर्जे की शुमार नहीं है। एमएसपी से कुछ नहीं हो रहा है, किसान आयोग का गठन करना करवाना पड़ेगा और तब हमारी सहमत से जब कीमत तय होगी गन्ने की, गेहूं की, धान की और आलू की, तब किसान बच सकता है। वो बात तो कहीं करने की नहीं। कभी तो लाल किले पे झंडा फहराते हैं, कभी संसद को तोड़ डालते हैं, कभी संसद में गेहूं बेचते हैं। संसद में गेहूं नहीं बिकता, कुछ पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता मुझे, पर मैं बता रहा हूं कि संसद में मिनिस्टर बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, संसद में कानून बनाए जाते हैं और संसद में कानून पास किए जाते हैं। ये भारत के संविधान का एक प्रारूप है, ये लोकतंत्र है। गेहूं संसद में नहीं खरीदा जाता, गेहूं क्रय केंद्रों पे खरीदा जाता था, वहां जाके गेहूं बेचे। अच्छा आपने लाल किले की बात की, 26 जनवरी की हिंसा सबने देखी, अब 15 अगस्त आ रहा है, क्या लगता है क्या आंदोलन जीवियों का अब की बार भी यही प्लान है कि फिर दिल्ली में घुसना है, लाल किले पे कब्जा करना है? कौन उनके साथ सब दिल्ली में घुस जाएंगे? कौन है उनके साथ जो दिल्ली घुस जाएंगे? अब कोई पागल नहीं है किसान और न पागल बनेगा, और हम देश के किसान और मजदूर और गरीब और नौजवानों को ये आह्वान करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के चक्कर में मत पड़ना जो केवल अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए सब को, अरे उसको अपने भाई का तो हुआ नहीं यार, राकेश टिकैत अपने भाई साहब के नहीं हुए, नरेश टिकैत। नरेश टिकैत मेरे दिमाग में, चूंकि हमने तो इनका पूरा परिवार देखा था, हम तो रहे ना इनके पिताजी के साथ, इनके घर खाना पीना सब कुछ किया ना। अब खाने पीने की बात करें तो इसमें भी आरोप लगाएंगे कि वो भानु प्रताप ये कर रहे थे, टिकट के साथ खाना खाया, राजनाथ के साथ जलेबी खाई, ये कोई तरीका है यार कोई? अब ये तो एक सामाजिक प्राणी है, आप हमारे यहाँ आओगे हम चाय पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, और हम तुम्हारे जाएंगे तुम खिलाओगे, इसमें क्या हो गया? और यदि किसी ने पूछ लिया कि तुम मनोज के यहाँ गए थे, मोनू के यहाँ गए थे, तो हमने बता दी कि हमने रोटी खाई, तो क्या हो गया इसमें? कोई डकैती डाल ली? मेरा कहने का मतलब यह कि नरेश मेरे दिमाग में भला आदमी है, क्योंकि हमसे तो वो भी उम्र में बहुत छोटे ना नरेश, लेकिन उनको भी कर दिया इग्नोर। एक प्रवक्ता नेता बन बैठा है, जो राग जो नरेश टिकैत कहे वो इनको करना चाहिए था, लेकिन ये खुद नेता बन के बांध मुड़ा सो। तो प्रवक्ता तो अपने आप को वर्ल्ड लीडर मान रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है, जहां भी जा रहा है कह रहा है देखो कितनी जनता है मेरे पीछे। ऐसा है कहीं जनता दिख रही है तुम्हें इस समय? झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हमेशा होती है। और मैं फिर कह रहा हूं राकेश टिकैत को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों कि अब किसान भी ऐसा कुपट नहीं है, सारे लोग समझते हैं कि आखिर इन्हें क्या कर लिया, 6 महीने से पड़े हैं वहाँ मार रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के फंड से, काजू बादाम तंदुरुस्ती बन गई है,
अच्छा ये बताइए आप कि इनसे क्या लाभ होने वाला है? सारे युवा समझ गए, किसान समझ गए, वही जो चापलूस रहे हैं, जैसे कल एक जालौन का चापलूस कह रहा था कि राकेश टिकैत के समकक्ष आना चाहते हैं, उसे ये नहीं पता कि राकेश टिकैत के मैं समकक्ष आके क्या करूंगा। वो मैं जब प्रदेश अध्यक्ष नेता होता था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से बात करता था, तब दिल्ली पुलिस का सिपाही होता था, मैं राकेश टिकैत के समकक्ष आऊंगा। लेकिन वो भी कुपट नहीं संभालना पड़ता है, बहुत ज्यादा नेता बन रहा था ऊंचा। यदि मैं चाहता हूँ कोई जो नेता बने ना मेरे सामने आके बात करे, आमने सामने बैठ के, अरे माइक पे बोलना और डिबेट में बोलना तो अलग बात है। जो मुझे चुनौती देता हो उस नेता को मैं चुनौती देता हूँ, किसान नेता को, क्या मेरे सामने आके बैठ करे, आमने सामने बैठ के बात करे, तब उसकी पोल खोल दूंगा सारी। अच्छा जब आपने बात बताई दी है, अब एक बात ये भी बता दीजिए, जो दर्शक है, आपने किसान यूनियन क्यों छोड़ी? कौन सी किसान यूनियन जिससे आप जुड़े हुए थे महेंद्र सिंह टिकैत के साथ? उससे ये इसलिए छोड़ी, किसान यूनियन वो लोग कहते ना हम निकाले, अरे उनको वो जो रमेश बाबा हैं ब्रज के, उनका एक था पहाड़ों का खदन का मामला, इसमें राकेश टिकैत की बेईमानी खुल गई थी और रमेश बाबा ने मुझे बुलाया था, न मुझे संगठन से इन्होंने बाहर किया, न कर सकते थे, क्या हिम्मत थी इनकी मुझे संगठन से बाहर कर देती, संगठन मेरा था, इनका किन का था, इनकी किन का संगठन था, भारतीय किसान भानु अब है और तब भारतीय किसानों थी, तब मैं प्रदेश अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश में, जो हम कहते थे चौधरी साहब, जो इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत थे, कहीं मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्रियों से जो बात होती थी उसमें मुझे भेजती थी, इनमें कहीं अकल थी किसी में है? लेकिन उसमें इसलिए कि इनकी जब बेईमानी सिद्ध हो गई पहाड़ों की खुदाई में, ब्रज के पहाड़ों की खुदाई में, तो रमेश बाबा ने बुला के भारतीय किसान भानु, उन्होंने कहा था कि तेरे नाम पे नहीं ब्रज भानु के नाम पे भारतीय किसान भानु बनेगा और तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे और किसानों की लड़ाई लड़ो। 1 मार्च 2011 को मैं बाबा ने भेजा था दिल्ली, और फिर 1 मार्च 2013 को दिल्ली भेजा था, जब किसी नहीं मानी थी तो फिर सब लोगों ने यह सलाह किया था कि सरकार को बदलना चाहिए, तब भाजपा को समर्थन दिया। वही बात, अब कह रहे हैं कि सरकार बदल देंगे, सीधा सीधा टक्कर दे रहे हैं योगी को, कह रहे हैं अब की बार सरकार बदल देंगे, फिर कौन बदलेंगे? बदलने मेरे ऊपर क्या सर है उसका? बदलने सरकार, अरे उनकी दम हो तो बदलें सरकार, बदलें, हो सकता है सरकार बदलने के बाद उनका ही मुख्यमंत्री का नंबर आया तो अपना आप सब काम कर लेंगे किसानों के, हम भी फिर उनको सलूट करेंगे, मुख्यमंत्री जी आइए, राकेश टिकैत दिया तो मुख्यमंत्री बन जाए तो किसानों को तो भला कर ही देंगे, किसानों को माला माल कर दें, हम तो चाहते बन जाए ना वो, मैं मना करूंगा कि मुख्यमंत्री ना बने, मेरी कोई लड़ाई नहीं है उनसे, लेकिन मैं उनको राय सही दूंगा कि पागलपन की बात मत करो। अरे नहीं रखा है ममता बनर्जी के पास कुछ, क्यों जा रहे हो वहां? लेकिन वही बात है, जिसका मान लीजिए तुमको मैं रोकू कहीं से जाने से और तुम्हारा वहां कोई भला हो रहा तो कहीं रुकोगे? नहीं रुकोगे। तो सब देश जानता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, वो इस समय बीजेपी की है तो मैं बसपा के पास क्यों जाऊं? और देश की समस्याओं का समाधान भारत की सरकार करेगी, वो इस समय बीजेपी की है, किनकी मालूम पड़ती है तुम्हें? बीजेपी की है कि नहीं मालूम पड़ रही है? बीजेपी नहीं है, किनकी है? ममता बनर्जी की। अरे बताओ तो सही मुझे किनकी है, तुम बताओ किनकी है सरकार? बीजेपी की। किनकी है? बीजेपी की है, तो बीजेपी वालों से बात करनी पड़ेगी कि राहुल गांधी से, किन से बात करें? तो हमें कोई दुख नहीं है, राकेश टिकैत बन जाए मुख्यमंत्री तो फिर हम भी उनसे ही बात किया करेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल ठाकुर साहब, मुझे एक बात और बताइए, आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसान हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा की लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप भी चाहते हैं कि मुझे कोई पद मिल जाए विधायकी का टिकट ना, 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 विधायक बन जाए? मैं टिकट का बच्चा भी नहीं चाहता, टिकट तो अलग है, टिकट का बच्चा भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 40 साल जीवन के लगाए हैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय कृषि मंत्री से, ये मेरी मांग है और मैं इसी के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री
सूर्य प्रताप शाही जी से मिला था और मैंने कहा था कि किसान आयोग का गठन कर दो। क्यों? कि ये कोई पाप की बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये देश किस प्रधान देश है तो इसमें किसान आयोग का गठन करना अति आवश्यक है। और यदि ऐसे ही 72 साल में जैसे कांग्रेस ने भारत के किसानों का देवाला निकाला है, ओर से राजनेता बढ़ते रहे, उद्योगपति बढ़ते रहे, कांग्रेस के लीडर भारत के पैसे को स्विट्जरलैंड की बैंक में भेजते रहे और किसान को गरीब बना के रखा, तो किसान आयोग का गठन और किसानों के कर्जे 72 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए हैं वो माफ, और फिर किसानों को पेंशन, ये मांगे हमारी हैं। हमारी मांग है किसान कहीं दुर्घटना में मरता है, जैसे अब मरे हैं, 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, केंद्र सरकार दी। और यदि पुलिस वाला जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं वो शहीद हो, जैसे हमारे कानपुर में शहीद हुए थे, तो उनको 2 करोड़, उनके पत्नी बच्चों को, और जो देश को सुरक्षित रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, मर जाते हैं पर देश में विदेशियों को नहीं घुसने देते, नहीं आने देते। और हम यहां खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, राजनीति करते हैं, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ बनते रहते हैं और रसगुल्ला मारते रहते हैं, हैं? और वो बेचारे मर जाते हैं तो उनके बच्चों को, बच्चा न हो, उनके माँ बाप को लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी ही सरकार का दायित्व बनता है कि 5 करोड़ रुपया दिया जाए, जो कि जिसने ये अमूल्य शरीर अपना नौछावर कर दिया इस देश के खातिर। अरे उद्योगपतियों को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उस शहीद को 5 करोड़ दिए जाएंगे तो उसके परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बाप सब कहेंगे कि हमारी लोकतंत्र प्रणाली से चुनी सरकार ने, जिस हमारे बेटे ने, जिस हमारे पुत्र ने, जिस हमारे पति ने देश की खातिर जान दी है, उन्होंने हमें इतना दे दिया है कि हम आराम से जीवन काट लेंगे, ये है हमारी मांग। तो सरकार आपकी बात सुनेगी या आंदोलन जीवियों की बात सुनेगी? सरकार हमारी बात सुनेगी, आंदोलन जीवी कहाँ है? कौन आंदोलन, कहाँ आंदोलन है? आंदोलन तो होगा डिसमिस, कोई आंदोलन नहीं है अब। अरे कहाँ है आंदोलन? पक्के मकान बनाने से और उनमें AC लगवाने से आंदोलन नहीं चलता बाबू जी।